Hello kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I'm Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now study time. अभी कौन सा टाइम है बेटा हमारा? Study time है. और बेटा आज हमारा हिंदी का डे है study time में. तो आज हम लोग क्या करेंगे बेटा? स्वर. स्वर करेंगे. वैसे तो मैंने आपको बहुत बार करवा रखे हैं, हम एक बार और अच्छे से स्वर का रिवीजन करेंगे. और हम और क्या करेंगे, जो आपकी एक राइम है ना बेटा, मेरी माँ, उसकी भी रिवीजन करेंगे विद एक्शन. ओके बेटा, क्लियर? शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट. लुक एट द व्हाइट बोर्ड बेटा. ये हमारे क्या होते हैं? स्वर. क्या होते हैं? स्वर. कौन से होते हैं? ए आ ई ई वाले हमारे क्या होते हैं बेटा? स्वर. हमारी हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं बेटा? 11. लेकिन यहाँ पर तो ज्यादा है, 13 है, 13 है. तो 13 क्यों है बेटा? क्योंकि री ऋषि और अह खाली जो है वो लिखित रूप में स्वर है, लेकिन मौखिक रूप में वो स्वर नहीं कहलाते. इसीलिए हमारी हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर कहलाते हैं. क्लियर बेटा? तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी बेटा, स्वर को बोलते कैसे हैं, कैसे बोलोगे आप इनको? अगर बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे, क्यों बोलोगे? क्योंकि बेटा अभी देखो कैसे, क्योंकि जब आप और बिगो जाओगे ना बेटा, आपके दो अक्षर के जोड़, तीन अक्षर के जोड़ आएंगे, तो इससे रिलेटेड भी जब अक्षर आएंगे और जब शब्द बनेंगे तो आप कैसे उसको बोलोगे. इसीलिए ये बोलना भी सीखो, ये इम्पोर्टेंट है. कैसे बोलो? ए ए आ, ए आ, समझ आई? ए आ इ ई, इ ई उ ऊ, उ ऊ री री, ए आई, ए आई ओ औ, ओ औ अंग. अ के ऊपर बिंदु है ना, इसको बोलते हैं बेटा अंग. क्या बोलते हैं? अंग. और ये है खाई. ठीक है, तो कैसे बोलोगे आप ध्यान से, मैं आपको वो भी करवाऊंगी, ऐसे अनार आ से आम. लेकिन एक बार बोलने का वे देखो बेटा कैसे है. ए आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह. एक बार और ध्यान से सुनो बेटा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो. ए आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह. क्लियर बेटा? तो क्या होता है? ऐसे अनार. ऐसे अनार होता है. और क्या होता है बेटा? ऐसे ऐसे अमरूद होता है, होता है ना. और क्या होता है? ऐसे सोच के बताओ. ए अनार, ए अमरूद, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना, बहुत सारे शब्द होते हैं ना. तो आप अपने घर पर सोच कर देखना कि आप कौन कौन से, मैंने आपको तो आपकी बुक में तो तीन तीन है ना, मैंने आपको करवा रखे है ना, तो ध्यान रखना कौन कौन से हैं. ठीक है बेटा, उनको पढ़ो. और मैं आपको बताऊं क्या हो सकता है. ऐसे ऐसे अदरक हो सकता है, अचकन हो सकता है, हो सकता है ना. आप और भी वर्ड्स देखो कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे अनार, अदरक, अचार, अमरूद, ठीक है, और अचकन, ध्यान रखना. ओके बेटा, अब आती है, अब कौन सा स्वर है बेटा? आ. आ से आम, आ से आम. आ से आदमी भी तो होता है, होता है ना. आ से आलू भी होता है, होता है ना. तो क्या होगा? आ आम, आ आलू, आ आदमी. और भी शब्द ढूंढना आप अपने घर पे, ध्यान रखना. ठीक है बेटा, बनाने की कोशिश किया करो. नेक्स्ट स्वर हमारा है बेटा ई. ई इमली. और क्या होता है? ई इडली. इडली खाते हो ना बेटे? इडली है ना. ई इमली, ई इडली, और भी तो बहुत सारे शब्द होते हैं. तो आप देखना, सोचना, अपनी बुक में देखना, आपको मिलेंगे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हमारा जो स्वर है वो क्या है बेटा? ई. ई से ईक. ईक होता है. और क्या होता है? ई से ईंट भी होता है ना, ईट. ठीक है, ओके बेटा. और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, ध्यान रखना. ओके, और अच्छे से देखना. और ई से ईद. ईद एक फेस्टिवल होता है ना बेटा, ईद का फेस्टिवल, तो ई से ईद भी तो होता है. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? ऊ. ऊ से उल्लू. ऊ से उल्लू. उल्लू होता है ना, उसे, है ना. ओके, ऊ. ऊ से ऊन.
ऊ से ऊंट होता है ना, ओके। री से ऋषि, री से ऋण, जब आप किसी से पैसे उधार लेते हो, ऋण लेते हो, और री से ऋषभ भी होता है, ऋषभ एक जानवर होता है बेटा, री से ऋषभ। ए, ए से एड़ी, और ए से नंबर एक भी तो होता है ना, एक एड़ी एरावत, क्लियर बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या है, आई, आई से ऐनक, ऐनक होता है ना, होता है ना, वेरी गुड। और ओ, ओ से ओखली, ओ से ओस, ओस पड़ती है ना, जब पड़ती है ना ओस सर्दियों में, और ओले, ओले भी कई बार बारिश नहीं आती, खाली ओले बर्फ ही गिरती है, उनको बोलते हैं ओले। और औ, औ से औरत, औ से औरत, ओके। और क्या होता है, आप ध्यान रखना, औ से और क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा आपकी बुक में ही है, आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान से और भी फाइंड आउट करना, क्लियर बेटा। अंग, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर होता है ना, अंग से अंगूर। और अहा खाली, हो गए हमारे स्वर, तो अब बच्चों बजाओ ताली, क्लियर। तो अभी क्या है बेटा, ए आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अहा, ये तो थे हमारे स्वर। मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको राइम का रिवीजन भी करवाऊंगी, तो राइम देखो हमारी कौन सी है बेटा, कौन सी है, मेरी माँ है कितनी प्यारी, ध्यान से देखना विद एक्शन, ओके। मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे सुंदर सबसे न्यारी, मीठी मीठी लोरी गाती, लोरी गाकर मुझे सुलाती, मुझे पढ़ाती मुझे लिखाती, सच बोलना मुझे सिखाती, क्लियर बेटा। तो आपको ये राइम भी और स्वर भी अच्छे से रिवाइज करने हैं, ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।